विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के रेशम बाग मैदान में शस्त्र पूजन किया। दशहरा के अवसर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम पर सभी की नजरें रहती हैं। इस मौके पर पद्म भूषण और पूर्व ISRO प्रमुख के राधा कृष्णन भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नागपुर में RSS मुख्यालय में विजयदशमी मनाने के लिए एकत्रित होकर संघ प्रार्थना की। इस कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पूर्व ISRO के प्रमुख सिवन ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मोहन भागवत ने भारत सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद करने को कहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मोहन भागवत ने कहा, बांग्लादेश में वहां के स्थानीय कारणों की वजह से हिंसक तख्ता पलट हुआ। इस दौरान एक बार फिर से हिंदू समाज के लोगों पर अत्याचार किए गए। उन अत्याचारों के विरोध में वहां का हिंदू समाज एक बार संगठित होकर स्वयं के बचाव में घर के बाहर आया, इसलिए थोड़ा बचाव हुआ। लेकिन यह अत्याचारी कट्टरपंथी स्वभाव जब तक वहां है, तब तक वहां के हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यक समुदायों के सिर पर खतरे की तलवार लटकते रहेगी। सबको मदद करते हैं, हमारी शत्रुता करने वालों को भी आवश्यकता में मदद करने वाले हम हैं। शांति रहे इसलिए अपने हितों का बलिदान भी हमने कई बार किया है और करते हैं। ऐसा स्वभाव दुनिया में नहीं है और इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है या कोई भी देश आगे बढ़ रहा है, कल चल के हमारा स्पर्धक बनेगा ऐसा डर जिनको लगता है वो उस देश में तरह तरह के उत्पाद करने में कम नहीं करते। भाषा तो विश्व बंधुत्व की होती है परंतु वो वहां तक ही है। अपने निहित स्वार्थ ठीक रहने चाहिए, अपनी सुरक्षा को धक्का नहीं लगना चाहिए और इसलिए दूसरे देशों में कई प्रकार के उत्पाद खड़े करना, जनतांत्रिक तरीके से वहां कोई सरकार चुनके कारोबार कर रही उसको नीचे लाना, ऐसा दुनिया में चलते रहता है। ये दुनिया की रीति लगभग बन गई है जो नहीं बननी चाहिए लेकिन है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। वो कारण उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपंथ की प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां के हिंदू क्या वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की, विश्व भर के हिंदुओं की भारत के सरकार की सहायता उनको मिले ये उनकी आवश्यकता है, परंतु इससे ये ध्यान में आता है और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है असंगठित है तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे, निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है यह निमित्त पर्याप्त है और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। वह आगे कहते हैं कि बांग्लादेश में होने वाले अवैध घुसपैठ को लेकर बांग्लादेश से भारत में आने वाले अवैध घुसपैठ व उसके कारण उत्पन्न जनसंख्या असंतुलन गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।
देश में आपसी सद्भाव व देश की सुरक्षा पर भी इस अवैध घुसपैठ के कारण सवाल खड़े होते हैं। उदारता, मानवता तथा सद्भावना के पक्षधर सभी के, विशेषकर भारत सरकार तथा विश्व भर के हिंदुओं के सहायता के लिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बने हिंदू समाज को आवश्यकता होगी। वह कहते हैं, असंगठित रहना व दुर्बल रहना यह दुष्टों द्वारा अत्याचारों को निमंत्रण देना है। यह पाठ भी विश्व भर के हिंदू समाज को ग्रहण करना चाहिए। अब वहां भारत से बचने के लिए पाकिस्तान से मिलने की भी बात हो रही है। ऐसे विमर्श खड़े कर व स्थापित कर कौन से देश भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसे लेकर भी सरकार को ही सोचना होगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।